भी आसान नहीं है पाप से दूर होना, फिर भी आसान नहीं है पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। बता, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेष ये वर्षावास समय है। वर्षावास काल में हर कोई जो जो बुद्ध धम्म संघ को मानते हैं, जानते हैं, शरण जाते हैं, सभी जन खूब पुण्य करते हैं, खूब धम्म करते हैं। दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना अभिवृद्धि करना हो, खूब सारा पुण्य करते हैं। यही वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है नासिक के कहाँ पर, हाँ, पाठरदी फाता मुरलीधर नगर में ये गायकवाड परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम सबसे पहले हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे, बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद, थोड़ा सा परित्राण भी श्रवण करेंगे, उसके बाद धम्म देशना श्रवण करेंगे। तो पंचशील प्रार्थना करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो, भगवा बुद्धं, भगवन्तं अभिवादेमि, स्वाखातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि, सुपतिपन्नो भगवतो श्रावक संघो, संघं नमामि। हाँ, अभी शील याचना कीजिए आप लोग, ओकास वंदना में बनते हैं। यमहं
वदामितं वदेता नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मेच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मोसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सोरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजने भिक्षु संघ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। विशेषतः आज नासिक स्थित ये गायकवाड़ परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ सामने उपस्थित है अनिल भाऊ उपासक जो माहितीचा अधिकार कायदा व जनजागृति अभियान केंद्र नासिक जिला के अध्यक्ष है, तो उनको, उनके परिवार को और यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को और बुद्धा टीचिंग परिवार को सभी को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे। खूब खूब उन्नति हो, प्रगति हो, विशेषतः खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य
प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजने भिकुसंग परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस सुनन्तु सगमोकदं तम श्रवणकालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारं सम्मा सम्बुद्धो वेजाधरण सम्बन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरिषदम्म सारथि सत्ता देवमनुष्ठानं बुद्धो भगवायते स्वकतो भगवता धम्मो सन्दिति को अकालिको यही पशिको पनाय को पाचता वेदिताभो वन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामिजिपतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरिषयुगानि आता पुरिषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन स च वज्रेण श्रोति देवो तु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वलोका सर्ववाया सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जय मङ्गला करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदाङ्गभिशमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वानतिमाने सन्दो सको च सुवरो च आपकेचो च सल्लौकौ दे सान्देन्द्रियो च निपको च आपगभो कुलेषु अननुगेदो न चकुतं समाचरे किञ्चि येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा केमिनो वन्तो सभे सता भवन्तु सुखिता ये केचिपानभूता ते तसा वदावराव अनवशेषा देगा वा एव मान्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा
सभे सत्ता भवन्तु सुखिता न परो परं निकोपेत नाति मन्येत कथचि न कञ्चि व्यारोशनापतिकसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमिच्छय माताता नियम्भूत आयुषायेकभूतमनुराग्ये एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमान मेतांजसापलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमान भूतङ्गतोचतिर्यञ्च असंवादं कवेराङ्गसपातम् एताञ्जरान्निषेन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमेदो एतां सतिङ्गवितेय ब्रह्ममेतं विहाराङ्गिदमाहो देते चानुपगमशीलव दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेतं नैकातु गाभशय्य पुनरेति एतेन स च वज्रेण श्रोति देवोतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण होतु ते जय मङ्गलम् दुःखपताशनि दुःखभयपताशनि भय शोकपताशनि शोका बन्धु सभे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदम् सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाविरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपता पच्चेकानं च यङ्गलम् अरान्तानं च देन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहिद्धिका पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिद्धिका पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिद्धिका पुण्यङ्गं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो शांति हो मंगल हो कल्याण हो। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्म देशना हम सुनेंगे। हाँ अभी पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंटे जी धम्म देशना देंगे। सब लोग शांति से धम्म देशना सुनिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्बुदस महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन करू. या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे. आज आपण या कार्यक्रमात आणि आवर्जून उपस्थित झालात आणि या ठिकाणी परित्राण पाठवून अशा प्रकारे धम्मदर्शनाला सुरुवात झालेली आहे. तेव्हा धम्मदर्शना देण्यासाठी तीन वार आपल्याला जोड्याने जरा साधू साधुकार द्यावा लागेल. जरा आवाज वाढा जाईल का? असल्यामुळे प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या घरी परित्राण पाठ झाला पाहिजे. त्यांनी घेतला पण परित्राण पाठ नेमका का घेतात याचा उद्देश मात्र समजला. काय घ्यावा, कशासाठी घ्यावा, त्याचे बल काय, त्याची ताकद काय, तर हे सगळं आपल्याला समजण्यासाठी आज थोडस प्रवचन मी देणार आहे. तेव्हा हा प्रवचन देणार आहे तेव्हा सर्वांनी या ठिकाणी एक बार निकाल के हा या ठिकाणी प्रवचन आपण ध्यान देऊन ऐकायचे. हे परित्राण पाठ या ठिकाणी आता आपण घेतला. हा औंसकालीन परित्राण पाठ आहे. थोड्या वेळासाठी, अर्ध्या घंट्यासाठी, एक घंट्यासाठी असे परित्राण पाठ घेतात त्याला अंशकालीन परित्राण असं म्हणतात. पुढे चालून आपण म्हणतो की एक दिवस, दोन दिवस, तीन दिवस, सात सात दिवसाचे परित्राण पाठ आहे. परंतु ते परित्राण पाठ आपल्याकडे प्रचलित नसल्यामुळे आपल्याला ते परित्राण पाठ कसा घ्यावा, काय घ्यावा, कुठं घ्यावा हे मात्र आपल्याला माहीत नसल्यामुळे आपण अंशकालीन परित्राण पाठ घेत असतो. परंतु एक घंट्याचा जरी परित्राण पाठ असला तरी मात्र आपले उपासक त्या ठिकाणी बसत नाही. आणि बसत नाही म्हणल्याच्यानंतर ते उठोको बसू, उठोको बसू असं करतात आणि आमच्या कानामध्ये येऊन सांगतात, म्हणते जरा शॉर्ट कर घ्या. काय म्हणतात? बसते जरा शॉर्ट कर घ्या. लक्षात आलं? तर म्हणून सात सात दिवसाचे परित्राण पाठाला जर आपण बसाल तर कसं बसाल? तर म्हणून अशा प्रकारच्या थोडक्यात मी माहिती देतो परित्राण पाठ काय चीज आहे. म्हणून एकदा दोन भिक्षू जंगलामध्ये राहत असताना, एका जंगलामध्ये राहत असताना खडतर तपश्चर्या ते करत होते. करता करता बरेच निघून निघून गेले आणि 40 वर्ष लगातार ते ध्यान करू लागले. ध्यान करता करता त्यातील मात्र एका भिक्षूने चिवडताग केला आणि चिवडताग केल्याच्या नंतर तो ग्रस्ती बनला. ग्रस्ती बनल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्याचे एका वर्षाच्या नंतर लग्न झालं. हा कुरबुर करू नका म्हणा, साधू साधू. आता इतके दिवस आपलं बोलणं इशारे चालू होते, आता तो बंद राहू द्या ना. आता इतके दिवस आपला जन्म गेला, एवढं वय झालं, तरी या इकडं जा तिकडं कशाला. लक्षात आलं? आणि म्हणून जरा शांतता बघा, थोडं प्रवचनाकडे लक्ष द्या. म्हणून अशा प्रकारे दोन भिक्षू जंगलामध्ये राहत असताना त्यातील एका भिक्षूने चिवट त्याग केला आणि चिवट त्याग केल्याच्या नंतर तो ग्रस्ती बनला. ग्रस्ती बनल्याच्या नंतर काही वर्षाने त्याचं लग्न झालं आणि लग्न झाल्याच्या नंतर काही वर्षाने त्याला एक मुलगा झाला. मुलगा झाल्याच्या नंतर कोणाला आनंद वाटतो आहे ना? कोणी जर विचारलं काय झालं तर मुलगा झाला असून सांगतो आपण, आहे ना? आणि एखादी पोरगी झालं तर आपण तोंड वाकडं तिकडे म्हणून म्हणतो की पोटकी झाली आम्हाला, आहे ना? अशा प्रकारचं आपण सांगत असतो. परंतु त्याला सुद्धा मुलगा झाल्यामुळे तो खूप आनंदी होता आणि आनंद असल्यामुळे त्याने मात्र विचार केला की ते बाळ मात्र लहानपणापासूनच आजारी असल्यामुळे अनेक प्रकारचे त्याने इलाज केले पण बाळ मात्र सुधरत नव्हतं. म्हणून त्याने एक दिवस अशी विचार केला पती पत्नीने की चला मी ज्या बंदेजी बरोबर 40 वर्ष खर्च तपस्या केली त्या जंगलामध्ये आणि म्हणून आपण त्या बंदेजीचा आशीर्वाद घ्यावा आणि आशीर्वाद घेऊन आमच्या बाळाचं काही ना काहीतरी रोग बरा होईल, त्याला सुख मिळेल अशा इच्छेने त्या परिवारातल्या त्या बाळाच्या आई वडिलांनी बाळाला घेतलं आणि त्या ठिकाणी ते 40 वर्ष लगातार ध्यान करत होते. त्या ठिकाणी ते भंतेजीच्या भेटीला गेले. भंतेजी गेल्याच्या नंतर भंतेजी आपल्या कुटीमध्ये बसलेले होते, यांना खूप आनंद झाला की बरं झालं भीड असते, आज भीड नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्यांची परवानगी घेऊन हे दोघंही आतमध्ये कुटीमध्ये गेले. त्या बाळाला त्या भंतेजीच्या चरणाजवळ ठेवलं आणि चरणाजवळ ठेवल्याच्या नंतर या दोन्ही पती पत्नीने त्या बाळाच्या आई वडिलांनी
भत्तेजीला वंदन केलं, त्रिवार वदन केलं असं म्हणल्याच्या नंतर भत्तेजीने त्यांना दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला. परंतु हे केल्याच्या नंतर त्या बाळाच्या आईवडिलांना आशीर्वाद दिला दीर्घायुष्य भव, परंतु त्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला. असं म्हणल्याच्या नंतर ते आई वडील घाबरले, आणि घाबरल्याच्या नंतर त्यांना असं वाटू लागलं की आमच्या बाळाचं काही बरं वाईट होत नाही ना, कारण आम्हाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, नक्कीच आमच्या बाळाचं काहीतरी बरं वाईट होत नाही ना, असं त्यांच्या मनामध्ये ते खाऊ लागले, विचार करू लागले. असं म्हणल्याच्या नंतर त्यांनी पुन्हा बंदेजीला तीन वेळा अभिवंदन केलं. अभिवादन केल्याच्या नंतर बंदेजीला त्यांनी विचारलं की बंदे, आम्ही अशा प्रकारे इथे आल्याच्या नंतर आपल्याला अभिवादन केल्याच्या नंतर आपण आम्हाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, काय कारण आहे? असं म्हणण्याच्या नंतर बंदेजी 2 मिनिट मौन राहतात, आणि मौन राहिल्याच्या नंतर ते त्या आईवडिलांना सांगतात की मी यासाठी या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, कारण हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे, यासाठी मी या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला. असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडील घाबरले, पुन्हा त्याने बंदेजीला त्रिवार अभिवादन केलं, आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर बंदेजीला विचारलं की बंदे, आमच्या बाळाला वाचवण्यासाठी काही ना काहीतरी उपाय सांगा, पण आमचं बाळ वाचलं पाहिजे, काही उपाय सांगा, मी तयार आहे करायला. असं म्हणल्याच्या नंतर बंदेजी 2 मिनिट मौन राहतात, आणि मौन राहिल्याच्या नंतर त्या आई वडिलाला सांगतात की माझ्याजवळ तर या बाळाला वाचण्याचा काही उपाय नाही, पण तुम्ही असं करा, भगवान श्रावस्ती नगरीमध्ये आहे, भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरीमध्ये आहे, तुम्ही त्यांच्याकडे जा, आणि त्यांच्याकडे गेल्याच्या नंतर मात्र ते नक्कीच या बाळाला वाचवण्यासाठी काही ना काहीतरी उपाय सांगतील. असं म्हणतात का नाही म्हणतात, त्यांनी लगेच भक्तजीला वंदन केलं, बाळाला घेतलं आणि श्रावस्तीच्या दिशेने चालू लागले. श्रावस्तीच्या दिशेने चालता 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 त्या ठिकाणी त्यांनी श्रावस्ती गाठली, आणि श्रावस्ती गाठल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी भगवान सुद्धा गंधकुटीमध्ये बसलेले होते, आणि त्या ठिकाणी बंदे सुद्धा एकटेच बसले. त्यांना बरं झालं की आता भगवंताला एवढी गर्दी भीड असते, आज भगवान एकटेच बसले म्हणून खूप आनंद झाला. त्यांना आनंद झाल्याच्या नंतर भगवंताची परवानगी घेतली आणि ते गंधकुटीमध्ये गेले, आणि आपलं बाळ भगवंताच्या चरणाजवळ ठेवलं, आणि या दोघी पती पत्नीनी त्या मुलाच्या आईवडिलांनी भक्तजीला वंदन केलं. भक्तजीला जसे वंदन केलं तसं भगवंताने त्यांना म्हणलं दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला दोघांना, परंतु भगवान बुद्धाने सुद्धा त्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला. आशीर्वाद नाही दिला म्हणल्याच्या नंतर हे आई वडील घाबरले, आणि घाबरल्याच्या नंतर पुन्हा त्यांनी भगवंतांना वंदन केलं, आणि वंदन केल्याच्या नंतर भगवंताला विचारलं की भगवान, आम्हाला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, भगवान आमच्या बाळाचं काही बरं वाईट तर होत नाही ना, भगवान काहीतरी उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर बंदे भगवान त्या ठिकाणी 1-2 मिनिट मौन राहतात, आणि मौन राहिल्याच्या नंतर ते सांगतात की मी या बाळाला यासाठी आशीर्वाद नाही दिला की हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे, यासाठी मी या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला. असं म्हणतात का नाही म्हणतात, तेव्हा पुन्हा आई वडिलांनी भक्तेला वंदन केलं भगवंताला, आणि विचारलं की भगवान याला बाळाला वाचवण्यासाठी काहीतरी उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान 2 मिनिट मौन राहतात, आणि मौन राहिल्याच्या नंतर त्या आई वडिलांना सांगतात की तुम्ही असं करा, या बाळाला घेऊन घरी जा, आणि घरी गेल्याच्या नंतर आपल्या प्रवेशद्वारासमोर मोठा एक पेंडॉल टाका, आणि डाव्या बाजूला एक पलंग ठेवून त्या ठिकाणी मात्र बाळाला 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या, भक्तजी लोकांना बोलवा, आणि डाव्या बाजूला त्या ठिकाणी पलंग टाका, पलंगावर मात्र 7 दिवस पुरे एवढे त्याजवळ पैसे कपडे फळं 7 दिवस परित्राण पाठ चालेपर्यंत त्याला ते दान धर्म करता आलं पाहिजे. अशा प्रकारचं पद्धत करून भक्तजीला बोलवा, 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या. किती दिवस? 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या, आणि सगळी तयारी करून अशा प्रकारे त्यांनी बाळाला घेतलं, भगवंताला वंदन केलं, आणि वंदन केल्याच्या नंतर बाळाला घेतलं आणि घरी आले. घरी आल्याच्या नंतर त्यांनी 2व्या दिवशी लगेच आपल्या प्रवेशद्वारासमोर मोठा पेंडॉल टाकला, आणि पेंडॉल टाकून जसे मी सांगितलं त्याप्रमाणे तयारी केली, आणि डाव्या बाजूला पलंग ठेवून त्या ठिकाणी बाळाला बसवलं, आणि 7 दिवस त्याला दान धर्म करण्यासाठी त्या ठिकाणी त्याच्याजवळ साहित्य ठेवलं, मग ते पैसे असतील, फळं असतील, कपडे असतील, अनेक प्रकारचं काही असेल अशा प्रकारे. आणि त्यांनी मात्र अशा प्रकारे भिक्षूला बोलावलं, आणि भिक्षूला बोलावल्याच्या नंतर परित्राण पाठ सुरू झाला.
पहले दिवसी पंचा बार सोला झाला, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी, पाचव्या दिवशी, सहाव्या दिवसापर्यंत रात्रंदिवस पवित्रा पाठ चालू राहिला. आपण पाहतो ही प्रथा आपल्याकडे आहे का नाही मला माहित नाही, परंतु हे नागपूर साईडला प्रथा आहे. कारण मध्यजी वगैरे जे आम्ही आहेत त्या ठिकाणी सात सात दिवसाच्या परिधान पाठाला जातो असतो, परंतु इकडे मात्र कधी काय आम्ही आलो नाही. औंसकालिक असतो आणि औंसकालिक असलं आमच्या कानातून सांगतात शॉर्ट कट घ्या, लक्षात आलं. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या ठिकाणी हा परिधान पाठ सुरू झाला. रात्रंदिवस सहा दिवस लगातार रात्रंदिवस परिधान पाठ झाला. आणि परिधान पाठ झाल्याच्या नंतर सातव्या दिवशी त्या मात्र स्वतः भगवान बुद्ध परिधान पाठ घ्यायला आले. आणि परिधान पाठ जसे भगवान बुद्ध घेऊ लागले तर लगेच ब्रह्मांडातले सगळे देवता त्या पिंडाच्या चार बाजूने उभे राहिले. भगवंताने देवता त्याला म्हटलं की जे नाकातून तोंडातून पायातून पडलेले त्यांना देवता कधीच म्हटलं नाही. ज्यांचा राग निघाला, द्वेष निघाला, ईर्ष्या निघाली, दुर्भावना निघाली, आपलं चित्त निर्मळ झालं, शुद्ध झालं, निर्मळ झालं अशा संत पुरुषांना देव म्हटलेला. समजलं सर्वांना? आणि म्हणून अशीच देवता चार बाजूने उभे राहिले. आणि उभे राहिल्याच्या नंतर भगवान स्वतः परित्राण पाठ घेऊ लागले. परित्राण पाठ घेता 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 मात्र त्या बाळाला घेऊन जाण्यासाठी मार मात्र त्या मेन दरवाज्यावर उभा होता की मी या बाळाला कधी उचलतो, तो कधी उचलतो असं म्हणून त्या प्रवेशद्वारासमोर वाट पाहत होता. परंतु स्वतः भगवान बुद्ध परित्राण पाठ घेत असल्यामुळे आणि चारो बाजूने देवता उभे असल्यामुळे त्या मात्र महाराला त्या बाळाला घेऊन जाण्याची संधीच प्राप्त नाही झाली. त्याकरता तो मार तो मृत्यूराज मात्र पाठीमागे दोन मैल पाठीमागे सरकला. भगवान सातव्या दिवशी दिवसभर परित्राण पाठ घेतला, रात्रभर परित्राण पाठ घेतला. सकाळी मात्र अशा प्रकारे आठ नऊ वाजले भगवंताने पूजा अर्चना केली. आणि पूजा अर्चना केल्याच्या नंतर मग सांगितलं की त्या आई वडिलांना की जा त्या बाळाला घेऊन या. असं म्हणल्याच्या नंतर ते बाळाला उठले आणि त्या बाळाला घेऊन आले आणि भगवंताच्या चरणाजवळ ठेवले. भगवंताने आपल्या बोधी नेत्राने त्या बाळाला तपासलं, निरीक्षण केलं आणि निरसन करून त्याचं नाव ठेवलं आयुवर्धन. काय नाव ठेवलं? आयुवर्धन. आयुवर्धन नाव ठेवलं तेव्हा आपल्यासारखे उपासक बसले होते. त्यांनी विचारलं की भगवान आता या बाळाचं आयुष्य काय असणार आहे. असं म्हणल्यानंतर भगवान म्हटले की या परित्राण पाठाच्या बलाने, या धर्माच्या बलाने या बाळाचा मात्र मृत्यू आता टळलेला आहे आणि हे बाळ मात्र आता 120 वर्ष जगणार आहे. म्हणा साधू साधू. परित्राण पाठाच्या बलाने या धर्माच्या बलाने हे बाळ 120 वर्ष जगणार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर भिक्षुनी आणि पुन्हा उपासकाने विचारलं की म्हणते आता या बाळाचं पुढचं आयुष्य काय असणार आहे. तेव्हा भगवंताने सांगितलं हा फार मोठा विद्वान भिक्षू बने आणि विद्वान भिक्षू बने सारा भारत धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करेल आणि आपल्या याच जीवनामध्ये 500 शिष्य बनवेल. किती शिष्य बनवेल? 500 शिष्य बनवेल. असं म्हणल्याच्या नंतर सगळे मात्र आनंदी आनंद झाले. असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडिलांचं काय ठिकाणा, एवढे मोठे प्रफुल्ल झाले, एवढे आनंदित झाले. ते म्हटले जरा आमच्या घरी जर हे बाळ असतं ते मृत्यूला प्राप्त झालं असतं आणि म्हणून याला घरी तरी नेऊन काय करावं. म्हणून त्याने आपलं बाळ उचललं आणि भगवंताला भिक्खू संघाला दान देऊन टाकलं. म्हणा साधू साधू. तुमचे मुलं असतं द्या आम्हाला. हा म्हणा साधू साधू. अशा प्रकारचा हा परित्राण पाठाचा प्रवाह आहे, बलिदान आहे आणि म्हणून याच्यामध्ये ताकद आहे. म्हणून जो तो परित्राण माझ्या घरी झाला पाहिजे, माझ्या घरी झाला पाहिजे. या परित्राणाचं पाठाचं काय होतं, एक कवच तयार होतं आणि कवच झाल्याच्या नंतर आपल्याला जे काय संकट येणार आहे या कवचाला ताडून ते बाहेर फेकलं जातं, ते जिरून जातं. पण कवचाच्या मध्ये आपण असल्यामुळे आपण ते मात्र सुरक्षित राहतो यासाठी हा परित्राण पाठ आहे. म्हणून एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो आणि तीन वेळा साधू काय म्हणायचं मात्र म्हणा साधू साधू. यानंतर माझ्या बाजूला बसलेले तुम्हाला त्यांचा परिचय मी दिला की बाबासाहेबांना जे दीक्षा दिली होती चंद्रमणी मास्टरींनी त्यांच्या शिष्यांचे शिष्य आहेत आणि हे सुद्धा पीएचडी आहे. मग तिथे काय आहे, पीएचडी आहे, डॉक्टर आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी डॉक्टर भदंत इंद्रवंती मास्टरी हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन उपकृत करतील असे मी आपल्यातर्फे माझ्यातर्फे भरत भंतेजीला विनंती करतो की त्याने आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपयुक्त करावी अशी भंतेजीला मी पुन्हा एकदा विनंती करतो. अभी थरे तकल्याने प
पापचित्तं निवारये दण्डं हि करोतो पुण्यं पापास्मिं रमतो मना। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वर्णना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तम देशना में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अभी थरेत कल्याणे। जब भी पुण्य करने का मौका मिले, जब भी कल्याणकारी कार्य करने का मौका मिले, तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। कभी कभी हमें दान देने का मौका मिलता है, कभी शील पालन करने का मौका मिलता है, कभी ध्यान साधना, है ना, अनेक अनेक पुण्य करने का मौका मिलता है। तो बुद्ध कहते हैं अभी थरेत कल्याणे, ये कल्याणकारी काम है ना, अच्छा काम है ना, तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। किए बिना करेंगे ना, करेंगे ना, अभी नहीं बाद में करेंगे ना, आने वाले बर्थडे में करेंगे ना, अभी करेंगे तभी करेंगे करके बैठेंगे तो मन में पाप चित्त उत्पन्न होता है, फिर वो कार्य हमें करने ही नहीं देगा। पाप हमें ऐसे जकड़ लेगा कि वो पुण्य फिर से करने ही नहीं देगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बुद्ध विहार जाते हैं, स्तूपा जाते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, और अनेक बार मन में लगता है दान देना है, मतलब दान दे जा, पर दान तुरंत नहीं दिया और बाद में देंगे करके बोला तो बाद में शायद ही वो दान दे पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, ये सामान्य बात है। सामान्य इसलिए भी है कि दान देना आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समानमाहु कहते हैं, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, लड़ाई जितना आसान है क्या? नहीं है ना, इसलिए दान देना भी आसान नहीं। हमारी आदत है हर चीज मेरा 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 मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा, ऐसा भी मेरा वैसा भी मेरा, हर चीज मुझे 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 मुझे, मेरा 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 मेरा, ऐसे लोभ लालच है। तो लोभ लालच की वजह से हम अपने पास के जो भी है दूसरों को दान देना निश्चित रूप से आसान नहीं है। बचपन से लेके माजा माजा माला माला, है ना, हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये मेरा है ये मेरा है, यही कहने की आदत है बच्चों को। ये दान दे दो, हाँ ये खाना दूसरों को खिलाओ, ऐसा हम सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। हाँ कोई बच्चा ऐसा भी निकला तो नहीं नहीं ये गलत है, ये बच्चा सारा चीज दान दे के आएंगे करके उसको, नहीं नहीं ये अपना है, किसी को देना नहीं, संभाल के रखना है, ऐसा ट्रेनिंग देते है। तो दान देना निश्चित रूप से आसान नहीं है, इसलिए जब भी मौका मिले तुरंत दान नहीं दिया और बाद में देंगे ऐसा सोचने लगा तो बाद में शायद ही हम दे पाएंगे। इसलिए अभी थरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारय, ये बुद्ध वाणी है कि पुण्य तुरंत करो, तत्काल करो, मन में पाप चित्त आने मत दो। अगर मन में पाप चित्त आया या थोड़ा भी देर लग गया तो वो पुण्य हमें करने नहीं देगा। जब जब दान देने की इच्छा हो, हमारे मन के विलेन जो लोभ लालच उसको जकड़ देता है, नहीं 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 दान नहीं देना, दान नहीं देना। जब जब शील पालन करने का मन हो, मन के द्वेष दुराभावना उसको जकड़ लेता है, नहीं शील पालन क्यों करना,
फ्री होके जीना, खाओ पियो मौज करो, कहा नियम में बांट के जीना, ये न मत मारो, ये चोरी मत करो, वो व्यभिचार मत करो, वो झूठ मत बोलो, वो दारू नशा सेवन मत करो, नहीं नहीं फ्री होके लाइफ को एंजॉय करना ऐसा। हाँ, और जब भी ध्यान साधना करने का मन हो तो मन के मोह मूदता, मन के अज्ञानी हमें रोकता है, इसलिए पुण्य करना भले ही आसान ना हो, परंतु ये बात हमें अच्छे से जानना है कि दुनिया में वही व्यक्ति का हित कल्याण होगा जो व्यक्ति अच्छा करेगा, धम्म करेगा, पुण्य करेगा। पुण्य करने वाले व्यक्ति हमेशा सुख शांति पूर्वक रहता है, अभी भी सुख शांति पूर्वक, बीच में भी सुख शांति पूर्वक, अंत में भी सुख शांति पूर्वक। अगर अच्छा नहीं किया, गलत किया, अकुशल किया, पाप किया, तो दिखने में कितना भी सुख संपन्न हो, दिखने में कितना भी अच्छा हो, अंदर ही अंदर इतना बेचैनी रहेगा, इतना दुखी रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति बड़ा इंसान बने ये सुख शांति का गारंटी नहीं है, कोई व्यक्ति खूब सारा पैसा कमाए इसका भी सुख शांति का गारंटी नहीं है, बड़े बड़े घर हो, बड़े बड़े गाड़ी बंगला हो, ये भी सुख शांति का गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले कभी दुखी नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर पुण्य करता है, धम्म करता है, वही व्यक्ति सुख पूर्वक रहता है, शांत पूर्वक रहता है। तो हमें सही में सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। अगर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बना ना, वो बड़ा तो बन ही जाएगा, और बड़े बड़े भले ही ना बने, जीवन में बड़े बन ही जाएंगे। इसलिए हमें अपने अपने बच्चों को भी, अरे तुझा तुला डॉक्टर वाई च, इंजीनियर वाई च, आईएएस वाई च, ये ते, खाली वही दिमाग में डाल के बाकी सारे चीजों से दूर नहीं करना। बच्चों को अच्छा बनने का ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे अच्छे बातें सिखाइए, ये तो बाबा साहब की पुण्य ही है कि हमें इतना बड़ा बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला है। बुद्ध धम्म संघ रत्न हमारे पास है और हम उसको जानते नहीं, समझते नहीं, बाकी बाकी अट्रैक्शन के पीछे हम भागते रहते हैं। अरे उधर क्या है, अरे उधर क्या है, अरे उधर कितना मजा हो रहा है, उधर कितना अच्छा हो रहा है, भागते रहते भागते रहते। इतना अच्छा बुद्ध धम्म संघ मिला है। हाँ, तो इसको हमें जानना है, बच्चों को सिखाना है। एक बार बच्चे अच्छे से बुद्ध धम्म संघ को जाना, समझा, अभ्यास करने लगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही बनेगा। अच्छा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपने बच्चे डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद माता पिता का ध्यान रखेगा नहीं रखेगा गारंटी नहीं, मगर अच्छा इंसान बना तो हमेशा माता पिता को साथ में रहेगा, हमेशा माता पिता को ब्रह्म समान पूजा करेगा। पूजा करेगा मतलब सम्मान आदर करेगा, सेवा करेगा। हमें अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा इंसान बनना है, ऐसे व्यक्ति सुख शांति पूर्वक रहता है। जीवन में बार 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 अच्छा करने का मौका मिलता है, जीवन में बार 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 बुरा करने का मौका भी मिलता है, मिलता है कि नहीं। हाँ, एक ही जगह पे अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध बार 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 कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई ना तो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। या अनिल भाव उपासक ने अपने घर में इतने सारे लोगों को जमा करके, चलो आज घर ही, घर में ये कार्यक्रम रखेंगे, इतने लोगों को बुलाया, सबको पुण्य कार्य में सहभागी करवाया, परंतु सभी लोग शांत पूर्वक पुण्य कार्य में सहभागी होगा नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है। सभी लोग बरोबर पुण्य लेके ही जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है यहाँ आए और कोई बाद में आने के बाद, अरे अनिल भाव सामने बैठे थे, हमारी तरफ देखा ही नहीं, हमें आसन दिया ही नहीं, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, कुछ बोला ही नहीं, कितना अहंकारी है। हाँ ऐसा करके अंदर ही अंदर मुझे बोला नहीं, मुझे कुछ बोला नहीं करके एकदम चिच्चिच्चिच्चिच होके द्वेष दुराभावना करके ऐसे ही बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। हो गया पुण्य, हो गया पुण्य, आए थे अच्छे कार्य में, मगर छोटी सी बात पकड़ के हम उसमें ही क्लेश बढ़ाते रहे, उसमें ही द्वेष बढ़ाते रहे, उसमें ही क्रोध जगाते रहे, तो कहाँ का पुण्य हो गया। एक अच्छा माहौल बना के दिया, पूजने भिक्षु संघ को बुला के परित्राण धम्म देशना, ये बुद्ध वाणी सुन रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, मगर बुद्ध वाणी सुन रहा है, खुद को ध्यान ही नहीं, कोई ये उससे बात कर रहे, कोई ये चला के बैठे, कोई ये ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, ऐसे ही कर्म कांड की तरह ही करते रहेंगे तो हो गया क्या पुण्य। इसलिए हम खुद के मालिक खुद ही है, पुण्य करना है हमारे हाथ में है, पाप करना है हमारे हाथ में है। जीवन में बरोबर मौका मिलता रहेगा पुण्य करने का भी पाप करने का भी। अब हम कौन से रास्ता चुनना है, कौन से रास्ते में आगे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर है। निश्चित रूप से हमें बुरा रास्ता पसंद आता है, क्योंकि कितने समय से जैसा मन ने कहा वैसा वैसा ही हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सब लोग शांति से बैठे, यहाँ गाल पे खुजली हो रहा है खुजली हो रहा है खुजली हो रहा है, बिना खुजाए नहीं रह सकते, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं रहता है ना। मन ने बोला अभी बैठने का मन ही नहीं है, मुझे खड़ा होना है या मुझे चलना है मुझे जाना है, वो कितनी देर कंट्रोल करेगा। हाँ इसलिए मन के पीछे ही भागते, और ये मन का स्वभाव जो है मक्खी की तरह गंदगी में ही ज्यादा जाते हैं, बुरे जगह पे ही ज्यादा जाते, बुद्ध विहार में नहीं जाता, कम ही जाते, ये तो अलग अलग पार्टी की जगह, मूवी की जगह, एंजॉय करने की जगह, यहाँ वहां भागते रहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन जंगली जानवर की तरह है, सबको तहस नहस करता है, सबको मतलब अपने को तहस नहस करता है। अगर ये मन को संयमित किया तो उसका सारा पावर, जंगली हाथी का सारा पावर हमारे हित कल्याण में लग जाता है। इसलिए मन को संयमित करना है। अब जब तक मन संयमित नहीं होता तब तक मन गलत गलत जगह पे ही ज्यादा 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 जाते हैं। अभी सबको पता है ना, सब पाप स करण, दुनिया में जितने भी पाप है वो मत करो, कुशल से उपसंपदा अच्छे पुण्य कर्म करो, पाप मत करो पुण्य करो। सबको पता है कि नहीं, माहिती है कि नहीं, एक छोटे बच्चे को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, सर्वान्न माहिती है, सबको पता है पाप नहीं करना पुण्य करना, पता है ना खरच, पता है ना। तो आप बोलिए क्या हम पाप से अलग है, क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये भी पता है पाप करेंगे तो आग, हाथ डालने जैसा, आग में हाथ डालने जैसा हमें जलाएगा ही, पाप करेंगे तो उसका बुरा नतीजा आएगा ही, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में आएगा ही, ये भी हम विश्वास करते करते कि नहीं। पाप करेंगे तो उसका बुरा परिणाम हमें आएगा ही, भुगतना ही पड़ेगा। पाप से बचने की जगह न जमीन में है, न आकाश में है, न पानी में है, कहीं भी नहीं है, ये भी पता है, पता है कि नहीं, हाँ पता है कि नहीं, मायता है कि नहीं, तरीपन फिर भी हम क्या पाप से दूर हो पाते हैं क्या, हाँ पाप से दूर हो पाते है, मुश्किल है। और पुण्य करना चाहिए, पुण्य करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये भी पता है क्या, उसके बाद भी हम पुण्य में बरोबर आगे बढ़ते हैं क्या। बुद्ध कहते हैं पुण्य के लिए कम से कम तीन चीजें याद करो, कितने चीजें, तीन बातें, हाँ दानं ददंतु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, त्याग चित्त से दान दो,
दूसरा सीलंग रखंतु सभ्यता, हमेशा सील पालन करो, कम से कम पांच सील पंचशील हमेशा पालन करो। भावना भिड़ता होंतु ध्यान भावना करते रहो, मन को एकाग्र करो, संयमित करो। ये तीन बातें पुण्य करने के लिए। अभी दान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, दान देना नहीं चाहिए कौन बोलेगा? सब बोलते हैं दान देना चाहिए, पर हम क्या सही में दान का अभ्यास करते हैं क्या? सही में दान का अभ्यास करते हैं? दान देते कि नहीं? खाना खाते कि नहीं? खाते हैं। साल में एक बार? महीने में एक बार? दिन में दो बार, तीन बार, है ना? न जाने कितने बार खाते हैं। तो दान, हम दान, दान का भी अभ्यास वैसा ही करना है। हाँ, निरंतर करना है। साल में एक बार दान दे के वो दान का पारमिता कब भरेंगे, वो दान का कड़ा जो है ना वो कब भरेंगे? और दान का कड़ा नहीं भरेंगे तो हम दुख मुक्त अरंत नहीं हो सकता। कम से कम दुख मुक्त होने के लिए 10 पारमिताओं का कड़ा भरना है। दान शील निष्काम वीर प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, ये 10 पारमिता का कड़ा है। जो जो हम पुण्य करेंगे उसमें बुंद 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 वो भरता जाएगा। तो सबसे पहला पारमिता दान का है। तो दान पारमिता पूर्ण करने के लिए साल में या महीने में कभी कभी करने से वो कभी भरेगा नहीं। इसलिए हमें दान निरंतर देना है, सील निरंतर पालन करना है, ध्यान साधना निरंतर करना है। पुण्य जितना करेंगे उतना हमारा कल्याण है। ये बात हम जानते भी है, ये बात हम मानते भी है, ये बात हम अभ्यास करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी आसान नहीं है पाप से दूर होना, फिर भी आसान नहीं है पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। बता, अब देखिए, जो व्यक्ति जानते हैं, समझते हैं पाप क्या है, धम्म क्या है, पाप करने से क्या होगा, धम्म करने से क्या होगा, ये बात जानते मानते ऐसे व्यक्ति को पाप से दूर होना आसान नहीं है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। तो बाकी के लोग देखो, जिसको पाप धम्म ही नहीं समझता, वो क्या पाप से दूर होगा, क्या धम्म में आगे बढ़ेगा? और बहुत सारे लोग तो पाप करके भी इसको धम्म समझते हैं, ये करेंगे तो स्वर्ग जाने को मिलेगा करके लोगों को हिंसा करते हैं, बलि देते हैं, न जाने क्या 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 दुख कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोग तो क्या ही पुण्य कर पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, सर्वश्रेष्ठ है, प्राणी जगत में सबसे श्रेष्ठ ये जीवन है मनुष्य। हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, हर पाप धम्म को समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा जीवन है। मनुष्य छोड़ के बाकी कितने भी प्राणियां है, जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग, क्या वो सारे प्राणी कोई एक भी है क्या जो धम्म सुन सके, धम्म समझ सके, पाप धम्म समझ सके, पाप से दूर हो सके, धम्म में आगे बढ़ सके, कोई है क्या? जंगल के राजा शेर भी अपने आहार प्राप्ति करने के लिए निर्दोष प्राणियों का हत्या करना ही रहता है। वो क्या पाप क्या धम्म समझेगा, क्या पाप से दूर होगा, क्या धम्म में आगे बढ़ेगा? ये इंसान ही है, ये हमारा जीवन ही है, हम ये सारा चीज समझ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी सोचिए, व्यवहारिक जीवन में हमें अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? अच्छा करने से सुख आएगा कि बुरा करने से? ये बातें हम जानते हैं मानते। और बात ध्यान रखो, परिवार समाज में जो व्यक्ति लोगों का हिंसा करता है, प्राणी हत्या करता है, ऐसे व्यक्तियों का जीना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, उसको भी कब कौन आके मारेगा पता ही नहीं।
जो व्यक्ति चोरी करके जीविका करता है वो परिवार समाज में सुखपूर्वक जिएगा या दुखपूर्वक? क्योंकि कब उसको पकड़ेगा और कब उसको कुत्ते की तरह मारेगा पता नहीं। जो व्यक्ति काम मिथ्याचार व्यभिचार करते उसका जीवन मुश्किल होगा कि आसान होगा? कब उसको पकड़ेगा, कब उसको जेल लेके जाएगा, कब कहां क्या सजा होगा पता ही नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, असत्य बोलेगा, खोटा बोलेगा, ऐसे व्यक्ति का जीना आसान होगा कि मुश्किल होगा? कोई उसके साथ नहीं रहेगा, कोई उसको विश्वास नहीं करेगा। जो व्यक्ति दारू नशा सेवन करता है ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा कि दुखमय होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा। अब देखो ना, हमें पुण्य करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए, फिर भी हमें पाप से दूर होना आसान नहीं है। बार बार पाप ही करते हैं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान नहीं है। बार बार वो पुण्य से हम दूर होता चला जाता है। और जबकि सत्य ये है कि यहाँ जो पाप करता है उसको जीने में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, हर जगह से निरंतर खतरा मंडराते हैं, हाँ एकदम टेंशन आता रहता है। और जो दान देगा उसका तो सब जगह वाह वाह ही चलेगा, जो शील पालन करेगा उसको तो हर कोई साथ में रखना चाहेगा, जो ध्यान साधना करेगा अरे वाह वाह उसका नम्रता और उसके हाँ मैत्री की बात क्या करें, हर कोई साथ में रखना चाहेगा। और ऐसे पुण्य करने वाले सबको पसंद भी आता है, तो खुद का भी कल्याण सबका भी कल्याण, फिर भी पुण्य करना आसान नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हर तरह से है ना, अच्छा नहीं करना मतलब अच्छा करना ही चाहिए, बुरा नहीं करना ये सबको पता है, बुरा करने से बुरा होगा ये भी पता है, बुरा करने से बुरा हो रहा है ये दिखाई भी दे रहा है, इसके बाद भी बुराई से दूर क्यों नहीं हो पा रहे? अच्छा करना चाहिए ये भी पता है, अच्छा करने से अच्छा होगा ये भी हम मानते हैं, और अच्छा करने से अच्छा हो रहा है आंखों से दिखाई भी देता है, फिर भी हम अच्छा क्यों नहीं कर पाते? क्यों? बात कुछ हजम नहीं हो रहा है ना, हाँ नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो उसके लिए सबे सत्ता कम सका तथागत बुद्ध कहते हैं विश्वास रखो, सभी प्राणी जो अपना कम करता है वो उसका मालक है, वो उसका हकदार है। कम बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं। और अच्छा करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा करते हैं तो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं परिणाम अच्छा ही आएगा, जो अकुशल कर्म करते हैं परिणाम बुरा ही आएगा। और जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए भी अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही। ये बात हमें दिल से जानना है, मानना है और अंदर से विश्वास करना है। अंदर से विश्वास हो गया, रियलाइज हो गया, महसूस हो गया और अंदर से वैराग्य धम्म जागा, तो वो व्यक्ति कितना भी मौका मिले, कितना भी माहौल बने, अब वो पाप करके नहीं बैठेगा। केवल दूसरों के सामने नहीं, दूसरों के सामने मच्छर भी आया तो फू 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 करके उसको फिर दूरी करेगा, और कोई नहीं रहा तो झटके से उसको मार ही डालेगा। अभी जो व्यक्ति महसूस करता है कि अपना कम ही अपना है, सबके सामने मारो या अकेले में मारो, हिंसा तो हिंसा ही है, वो अकेले में भी नहीं मारेगा, वो अकेले में भी पाप नहीं करेगा। अरे हम किससे छुपाएंगे, लोगों से भले ही छुपाएंगे, अपने आप को तो मालूम होगा ही ना हमने कितना पाप किया, कितना गलत किया। और हमने जो किया वही बार बार याद आता है। कभी बीमार पड़े हैं ना, बीमार पड़ के जब बेड रेस्ट होता है तब हर बातें
एकदम याद आता है कि नहीं, जो बातें भूल भी चुके वो भी याद आता है, अरे उस समय मैंने ऐसा गलत किया था, ऐसा अकुशल किया था, याद आता है कि नहीं। ऐसे समय में या कहीं पहाड़ों में या फ्लाइट में या ऐसे जगह पे जहाँ मैं मरूंगा तो नहीं, ऐसे डरावने जगह पे जाएंगे ना, तब वो बातें हर चीज घूमने लगता है, अरे मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। हम भूल भी चुके होंगे वो बातें भी याद आएगा, और यकीन मानिए जो अच्छे बातें याद करेंगे, दान पुण्य का बातें याद करेंगे वो प्रसन्नता से रहेगा, जो पाप याद करके बैठना पड़े उसका मन भारी होगा। और तरंग वैसा ही खींचता है, अच्छे तरंग उत्पन्न हुआ तो अच्छे जगह पे अट्रैक्ट होता है, बुरे तरंग उत्पन्न हुआ तो बुरे बुरे तरंगों के साथ ही मिलता है। इसलिए हमें अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है, कभी आंखें बंद करे तो अरे उस समय में हमने ऐसा पुण्य किया था, ऐसा धर्म किया था, वो याद आए। दूसरों को बताना नहीं है, दूसरों को बताते जाएंगे, अरे माइते हम ही असकेला तसकेला ऐसा क्या हुआ, ये अहंकार की बात हो गया। इससे अभिमान बढ़ता है, अभिमान बोले तो क्लेश है, क्लेश बोले तो पाप है। वो बोल रहे अपने अच्छे कर्म का ही, पर केवल बोलते रहना ये भी ठीक, हाँ दूसरे के मुंह से बोले तो ये अच्छी बात है, खुद बोलेंगे तो अहंकार अभिमान की बात है। इसलिए पुण्य ऐसा करो, एक हाथ से पुण्य करे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये जीवन ही उसके लिए है। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना पुण्यवान जीवन है, ये पुण्य करने के लिए ही है। आप लोगों को सुगति दुर्गति का पता है कि नहीं? इंसान सुगति में है, किसमें है? सुगति। यहां से देवलोक ब्रह्मलोक सारे के सारे सुगति में है, पर वो ऊपर का हो गया, और यहां से नीचे जो अपाय गति आता है, नरक प्रेत तिरेक असुर, ये अपाय गति आता है, सब दुर्गति में हो गया। दुर्गति में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो पुण्य कर सकता है, धर्म कर सकता है। और सुगति में मनुष्य छोड़ के ऊपर कोई ऐसी गति नहीं है जो पुण्य करेगा धर्म करेगा, वो तो पुण्य किया है ना, उसका पुण्य का भोग करेगा, ऐसो आराम मौज मजा करेगा, जब पुण्य खत्म हो गया ना फिर सर के बल नीचे आना है। सिर्फ मनुष्य लोक ही ऐसा है जो हम पुण्य कर सकते है, धर्म कर सकते है। इसलिए बुद्ध होने के लिए भी मनुष्य लोक में ही आना है। तो ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, इसको केवल खाने पीने के लिए, जीने की संघर्ष के लिए, परिवार बनाने के लिए और मरण से भयभीत होने के लिए ही नहीं है। अगर इतना ही करके बैठा तो दूसरे जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग सारे के सारे वैसा ही करते हैं, वो लोग भी खाते पीते हैं, वो लोग भी परिवार बनाते हैं, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, उन लोगों को भी मरण से भय है, क्या फर्क है? फर्क है तो हम पाप पुण्य समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं और पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। सही में हम पाप से दूर हो सकते हैं, सही में हम धम्म कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, बस हमें निरंतर अभ्यास करना है। जो छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या ये भी सीधी कख ऐसे लिख के दिखाएगा? क्या दिखाएगा? नहीं। अभी देखो वही बच्चा ये भी सीधी कख गग पर के देखो, अभी इंजीनियर बन गया है ना, बड़े बड़े डॉक्टर बन गया, बड़े बड़े अफसर बन गया, अनिल बाबू बन गया है ना, बड़े बड़े बन जाते। वही जिसको कुछ नहीं आता वो क्या है? उसका अभ्यास है। उसने डॉक्टर के लिए अभ्यास किया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर के लिए अभ्यास किया, इंजीनियर बन गया। जो जो फील्ड पे जैसे जैसे अभ्यास करते वैसा ही परिपूर्ण होता है। तो यह हमारे हाथ में है, हमें अच्छे में अभ्यास करना है या बुरे में अभ्यास करना है। लोगों को दुख देने में मारने में अभ्यास किया तो उसमें भी हम सक्सेस होगा, हमसे सारे लोग डर के हम डन की तरह रह पाएंगे, पर क्या ये सही धम्म है? क्या क्या उसमें पुण्य होगा? क्या नहीं होगा?
लोगों को मैत्री करुणा पूर्वक रहे तो ये पुण्य भी है और कल्याणदायी भी है। इसलिए जैसा अभ्यास करना है समझो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। हमेशा दो रास्ता रहता है, अंधेरा भी उजाला भी। जहां उजाला रहेगा वहां अंधेरा नहीं रह सकता। इसलिए पाप तो है ही, जहां पुण्य रहेगा वहां पाप नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब तक ये पुण्य करने का अभ्यास ना हो, निरंतर अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये लिखना भले ही नहीं आता बच्चे को, पर वही अभ्यास कर करके उसमें इतना परफेक्ट हो जाता, वो बच्चे बड़े बड़े लेवल में पहुंच जाता है। वैसे ही पुण्य करना हमें भी आसान नहीं है, पर करते 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 हम भी बड़ा बड़ा पुण्य कर पाएंगे। कोई भी जन्म से ही परफेक्ट नहीं होता। कोई जन्म से तू डॉक्टर तू इंजीनियर ऐसा थप्पा लगा के आते है क्या? नहीं, उसका ही मेहनत है। जैसे मेहनत किया वो बड़े बड़े लेवल में पहुंच गया, वैसा ही पुण्य भी हमें करना चाहिए। इसलिए यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, पाप करने का अवसर भी मिलेगा, पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। पाप करने से हमारा भले ही थोड़ी देर के लिए मजा आए, जिंदगी भर दुख शांति पीछे लगेगा, ये बात समझना है। पुण्य करने के लिए भले ही आसान ना हो, परंतु इससे हमारा भी अपनों का भी लंबे समय के लिए सुख शांति लेकर आएगा ही, ये बात विश्वास रखते हुए पुण्य में आगे बढ़ना है, पाप से दूर होना है। और बार 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 कहता हूँ, एक पुण्य का माहौल बनाइए। जब जब हम पुण्य करेंगे, इतने सारे लोगों को पुण्य करने का मौका मिल रहा है, धम्म देशना सुनने का मौका मिल रहा है, बुद्ध वाणी आशीर्वाद ग्रहण करने का मौका मिला है, और जब जब दूसरे लोग पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। हाँ, तो ऐसा पुण्य का माहौल बनाते बनाते खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे और जितना हो सके उतना व्यवहार में भी पालन करें, और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। बोलिए साधो साधो साधो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संगं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए। पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभी तेयो विवा जानतो सापरोगो विनाशतो माते भवत्वान्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते।
इच्छितं पचितं दुह्या क्षिपमेव समेचतु सापे पुरेन्तु चेतसङ्गपादन्दोपनरसो यथा आयु आरोग्यसम्पति सर्गसम्पतिमेव च अतो निर्वाणसम्पति हिमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवता गता सभ्ये भूता बलपत्ता पत्येकानन्दयं बलं हरन्तानन्द तेजेन रक्षं वन्दामि सप्तशो साधु साधु साधु। मन साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।